नमस्कार, पुष्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जमीकंद का बहुत ही टेस्टी कोफ्ता बनाने। तो इसके लिए मैं ले रखी हूँ आधा केजी जमीकंद, और इसको मैंने छील करके अच्छी तरीके से धुल करके साफ़ कर ली हूँ। और अब इसे मैं फटाफट कद्दूकस करके तैयार कर लेती हूँ। ये बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाते हैं, तो इसको मैं तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कद्दूकस करके जमीकंद को तैयार कर ली हूँ। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ 3 चम्मच बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो कुछ घंटे पहले आप दाल को भिगो करके पीस के इसको भी डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल दी हूँ स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर, और अब इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, और सभी को मैं मिला लेती हूँ। आप इस जगह चाहे तो मसाले भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, पर मैं ग्रेवी में मसाले डालूँगी तो इसमें मैं मसाले नहीं डाल रही हूँ। तो इसको मैं मिक्स करके तैयार कर लेती हूँ। तो इसको मैंने मिक्स करके तैयार कर ली हूँ। अब इसके मैं छोटे छोटे से बोल बना लेती हूँ, यानी एक नींबू से थोड़ा सा ही बड़ा बनाऊँगी, क्योंकि ये जब ग्रेवी में जाते हैं तो इसके फूल करके ये डबल होते हैं। तो बस मैं इतने ही बड़े बड़े जो है बोल बना के सभी को तैयार कर ली हूँ। और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल करके रख दी थी, तेल गर्म हो चुका था। अब इसमें मैं डाल करके बोल को फ्राई कर लेती हूँ। तो जितना बोल आ सकता है उतने बोल को मैं इसमें डाल देती हूँ। एक बार इस तरीके से जमीकंद का कोफ्ता बना के ज़रूर देखिए। ये रोटी हो या नान हो या पूड़ी या पराठा हो, सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिए। तो मैं चम्मच से इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़े गीले रहते हैं। अगर हम डायरेक्टली जो है हम कोई बड़ा चम्मच लगाएंगे तो ये टूट सकते हैं, तो इसलिए मैं पहले खाने वाले चम्मच से पलटते हुए इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो अब ये टाइट हो चुके हैं और कुछ देर फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको मैं अलटते पलटते हुए कुछ देर और फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ इसका तेल निचोड़ते हुए। और अब जो बचे हुए हैं उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको भी मैं डाल देती हूँ। इनको भी मैं फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। और ये मैं ले रखी हूँ 2 टमाटर, 3 प्याज, अदरक और लहसुन। तो आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसे चला सकते हैं। तो हमारे तरफ लाइट नहीं है, तो इसको मैं आज कद्दूकस करके तैयार करके इनकी ग्रेवी तैयार करूंगी। तो मैंने इसमें डाल छोड़ दिया था 2 चम्मच तेल, बाकी तेल निकाल ली थी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 तेज़पात और थोड़ा सा जीरा। और अब मैं डाल दूंगी कद्दूकस की हुई प्याज को, और अब इसे मैं चलाते हुए कुछ देर भून लेती हूँ। तो इसको मैं चलाते हुए भून करके तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है भून चुकी है। और अब मैं डाल देती हूँ लहसुन और अदरक के पेस्ट को, यानी कद्दूकस किए हुए, और इनको भी मैं डाल करके कुछ देर तक भून लेती हूँ। तो ये भी जो है भून चुके हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर को। तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दी हूँ, और इसको मैं चलाते हुए कुछ देर तक भूनूंगी। तो इसको मैं कुछ देर तक भून चुकी हूँ, और तब तक मैं इसमें मसाले डाल के भिगो देती हूँ। तो 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल देती हूँ, और थोड़ा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक जो है मैं स्वाद अनुसार ही डालूँगी। और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच जो गरम मसाला। और अब इसमें मैं पानी डाल करके
इसको कुछ देर के लिए भिगो दूंगी। इससे ये होता है कि जब हम मसाला भूनते हैं तो जल्दी से जलता नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाता है। तो इसको मैं मिक्स करके कुछ देर के लिए फूलने देती हूँ। तो देख सकते हैं ये सभी कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से भून करके तैयार हो चुका है। और अब इसी स्टेज पे मैं मसाले डाल देती हूँ और इसको भी मैं अच्छी तरीके से चलाते हुए भून करके तैयार कर लेती हूँ। तो मसाले जो हैं कुछ देर तक भूनते हुए हो चुका है, पर मैं थोड़ा देर और भून लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मसाले में से तेल जो है हल्का हल्का छोड़ दिया। अब इसमें समय मैं पानी डाल दी हूँ। तो पानी आप अपने हिसाब से ही डालिएगा जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, पर मैं इसमें पानी थोड़ा और डालूँगी क्योंकि मैं लगी लिपटी मुझे ग्रेवी चाहिए। क्योंकि जब ये बोल हम डालते हैं तो जो बोल है ये अपने अंदर भी ग्रेवी अब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए मैं पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी। और जब ग्रेवी अच्छी तरीके से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो बहुत ही जूसी लगते हैं, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ग्रेवी जो पक रही थी और मैंने इसमें अब बॉल डाल दी हूँ। और डालकर मैं इसको कुछ देर तक पका लेती हूँ। तो पहले इसको मैं मिला लेती हूँ और मिला करके मैं कवर करके इसको मैं पका लूँगी। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी जो पकते हुए कुछ टाइम हो चुकी है और बहुत ही अच्छी जो है ग्रेवी में पक करके ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैं गैस को बंद करके सर्व कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं जो कोफ्ते की सब्जी है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो रखी है, देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई कमियाँ है तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नई एक पुरानी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।